शक्ति आराधना नौ पद ज्ञान साधना आज आठवां दिन है और ज्ञान साधना का दूसरा दिन है। सम्यक तप साधना का दिन है तो चलो हम उसके पद को दोहराए उसके बाद उसे समझे। जय जय तप पद नमिये आज जेह दी सघड़ा सीजे का। जय जय तप पद नमिये आज जेह दी सघड़ा सीजे का। Nah.
भगवान का
आज अद्भुत दिन है। लोग प्रथा के मुताबिक आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गाष्टमी यानी एक तो हमने दूसरे दिन उसका उसकी आराधना की और आज आठवें दिन। ये अष्टमी यानी के घात होता है हमारे पूर्व कर्मों के ऊपर। तो आज वो दिन है दुर्गाष्टमी आठवां दिन। कर्मों के ऊपर सूक्ष्म घात होता है, उस शक्ति घात था ये ज्ञान का घात। ज्ञान का घात बहुत गहरा होता है, ज्ञान का परिणाम बहुत अद्भुत होता है, सूक्ष्म होता है और कंटिन्यूअस होता है। जहां ज्ञान की हाजिरी हो जाती है शुरू, वहां से रास्ता 24 घंटे का 24/7 हो जाता है। क्योंकि मेरा मूल स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो जब मेरा मूल स्वभाव ज्ञान है, मैं जो कुछ भी करता हूं ज्ञान से करता हूं, ज्ञान के आधार पर करता हूं, ज्ञान के निमित्त से करता हूं, तो मैं जो भी जीता हूं 2400 घंटों ज्ञान से ही जीता हूं। और कल हमने सम्यक ज्ञान के अंदर बताया कि उसकी ज्ञान की सेटिंग करनी है। तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने देखा कि ज्ञान की सेटिंग करने से उसमें मुख्य काम क्या करना है। तो मुख्य काम यह करना है ज्ञानी के आज्ञा का पालन और ज्ञानी का आत्मवदन। आत्मवदन अभी बहुमान आदरमान से एक स्टेप आगे। आत्मवदन, आत्मवदन यानी के नो क्वेश्चन नो आंसर, जो बोले यस सर, भन्ते तहति। गुरु गौतम स्वामी के मुख में यही दो शब्द थे, भन्ते, भन्ते यानी आप जो बोलते हैं वैसा ही होगा, तहति यानी हाँ जी, तहती याने अभी हाल होगा और भंते याने आपने जैसा बताया वैसा होगा। तो समझ में आ रहा है? दिस इज द ओनली आंसर। और इसका पालन करना ये तप है। दिमाग वापरना खुद का वो आतप है, ताप है, ताप यही अपने को जलाता है। तप और ताप में इतना फर्क है। ताप कभी होगा जब आप अपनी स्वच्छंद बुद्धि वापर के अपनी बैंड बजाओगे, सवाल जवाब करोगे। हमारी उतनी पात्रता अभी हुई नहीं है कि हम उस लायक बने हैं। हमारा बेसिक फंडामेंटल प्ले ग्रुप भी नहीं हुआ है और हम समझ रहे, हमें भ्रम हो चुका है कि हम 10-12 साल से कर रहे हैं तो हमको बहुत कुछ आता है। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझे। यहां कितना कितनी जानकारी है आपके पास वो महत्व का नहीं है, कितनी जानकारी को आप समझते वो भी महत्व का नहीं है। कितना तत्क्षण अमल में है वो ही महत्व का है। और तत्क्षण का अमल, अमलीकरण, इसी का नाम है सम्यक तप। जिन मार्ग के अंदर सम्यक तप और सम्यक चारित्र
दो के ऊपर जबरदस्त वजन रखा है और उसका मूल आधार है सम्यक ज्ञान। हम सब ज्ञानी हैं, स्वभाव से हम सब ज्ञानी हैं, हमारा स्वभावी ज्ञान है, इसलिए हम सब ज्ञानी हैं। लेकिन उस ज्ञान के ऊपर आवरण चढ़ गया है, इसलिए वर्तमान में हम या अज्ञानी हैं या विपरीत ज्ञानी है। अज्ञानी है या विपरीत ज्ञानी है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर जब वृत्तियों का वर्णन शुरू करते हैं, वृत्ति पांच प्रकार की बताई, उसके अंदर पहली वृत्ति प्रमाण, प्रमाण प्रमाण यानी क्या? प्रमाण यानी सबसे पहले शास्त्र। ये शास्त्र कहां से बनता है? आप्तवाणी से बनता है, संतवाणी से बनता है, ज्ञानी की वाणी से बनता है। फिर दूसरी है आप्तवाणी, दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण है अनुमान, और चौथा प्रमाण है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये चार प्रमाण है। ये प्रमाण क्या है? वृत्ति है। फिर क्या आता है? फिर आता है विपर्य, विपर्य यानी विपरीत ज्ञान। जो वास्तविकता होनी चाहिए उससे उल्टी दिशा में आपकी सोच और समझ है, तो इसलिए बार बार हम गलती करते हैं। जानते हैं सब कुछ, समझते भी सब कुछ है, लेकिन जब इंप्लीमेंट करते तब उल्टा चलते हैं। कारण क्या है? उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या कारण है? आप दिन जिंदगी भर उसका जस्टिफिकेशन देते रहो, ऐसे हुआ फिर उसको उसके लिए, अरे हुआ क्या अल्टीमेटली? आपने तीसरे पांचवे माले से जंप मारा, जंप तो मार दिया ना भाई, अभी क्यों मारा, कैसे मारा, क्या ऐसा विचारा है, उसका कोई वैल्यू है क्या? मार दिया तो मार दिया, उसका परिणाम भोग तो। समझ में आ रहा है? और हम लोग क्या समझते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करके, एक्सक्यूज देके, बहाना देके हम छटक जाएंगे। ऐसा कुछ वास्तविक वर्ल्ड में है ही नहीं। ये ऐसा है कि हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहानाबाजी करके, या अपने अंदर मनी मन बहाना बना लेते हैं, या मन में प्लान बना लेते, कोई पूछेगा तो ऐसा जवाब दे देंगे, तो उससे कुछ हल नहीं हुआ भाई। आपके बहानेबाजी या बहाना बताकर आपको लग रहा है कि टेम्पररी छुटकारा हो गया, वो छुटकारा नहीं हुआ, वो गाढ़ बंधन हो गया, अज्ञान का गाढ़ बंधन हो गया। आपने उसको जस्टिफाई किया उल्टा होकर भी, छुपाया, झूठ बोला, गाढ़ बंधन हो गया। दिस कॉम्प्लिकेट्स द मैटर। यही हम करते हैं, इसलिए कभी छूट नहीं पा रहे। अभी वो विपर्य यानी कि हमारा जो ज्ञान है, जो सोच है, जो समझ है, वो अपनी खुद की बना लेते हैं हम, और अपना ही खुद का बोलेंगे, पूछेंगे तो हम ये बहाना दे देंगे, पूछेंगे तो वो बहाना। अरे पूछेंगे तो उसके लिए थोड़ी जीत रहा है जो पूछने वाला है, पूछने वाले के कारण थोड़ी तू जिंदा है, तू तो अपने लिए जिंदा है, अपने रास्ते के लिए जिंदा है। समझ में आ रहा है? सो हवे बराबर, तो इसमें आप
हम लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जीवन भर जस्टिफाई करते हैं। सामने कौन बैठा है वो भी ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं और अपनी चलाते रहते हैं। इसको बोलते हैं विपर्य, यानी विपरीत ज्ञान। जैन शास्त्र में मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, मिथ्या। 18 पाप स्थानक के अंदर सबसे बड़ा पाप स्थानक और लास्ट में रखा है मिथ्यात्व, शल्य। शल्य बोला है, शल्य। शल्य का मतलब क्या है? हाँ, शल्य आंख में कुछ कचरा जाएगा ना तो उसको शल्य बोलते, कचरा। तो कौन सा कचरा? मिथ्यात्व का कचरा, सबसे बड़ा खतरनाक। ये कचरा है, ये कचरा पकड़ के हम चल रहे हैं जीवन में, विपरीत चलकर उसको जस्टिफाई करके ऐसा कचरा हम लेकर चल रहे हैं। और हमारे यहां 12 व्रत की व्यवस्था है जिन परंपरा में, 12 व्रत। उसमें सबसे खतरनाक व्रत आज के तारीख में किसका हम खंडन कर रहे हैं? खंडन मंडन, अनर्थ दंड, बेकार की, बेफजूल की बातें, चर्चा जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका 98-99% हमारा जीवन में समय जाता है। और ये सोशल मीडिया आने से पहले क्या था गांव में, उसमें क्या था कि दोपहर में औरत लोग सब जमा होकर यही कूटे, औरत और सीनियर सिटीजन, उनका काम ही है। तो उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, अभी वही काम हम लोग घर बैठे 24 घंटे उसी में लगे हैं। गांव में कोई भी घर में एक घटना घटे ना तो एक घंटे में पूरा गांव को पता चल जाता है कि इस घर में फला फला चीज घटना हुई है। आर यू नो, डू यू नो दिस? और आज के अपार्टमेंट में आपके बाजू वाले का मर्डर हो गया, 5 दिन तक ना पता चले आपको। बराबर है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आपको पता न चलना वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो इसमें ऐसा है, भगवान के जवाब हमेशा बहुत सटीक होते हैं के ये जो मैंने सवाल किया इसके अंदर हर एक घटना के ऊपर निर्भर करता है, वो जानने लायक है, चर्चा करने लायक है कि नहीं है। अरे भाई, बाजू वाले की खबर तो रखना चाहिए, लेकिन इतनी खबर ना रखो कि उसके बेडरूम में घुस जाओ और ड्राइंग रूम में घुस जाओ और फिर उसकी दुनिया भर में चर्चा करो। समझ में आया? हाँ, इसीलिए हमारे परिमाण व्रत बोला है। ये 12 जो व्रत है ना, वो परिमाण, परिमाण माने मर्यादा, लिमिटेशन। जो बताया ना राम का मर्यादा पुरुषोत्तम, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसीलिए वो सिद्ध बने, और रावण सहिंसा था इसलिए वो तीर्थंकर बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया आपको? राम का अंत कहां हुआ? एक सामान्य केवली के स्वरूप में हुआ, ठीक है। लेकिन रावण जो पहले से ही ओरिजिनल सहिंसा था, उसका अंत भी तीर्थंकर स्वरूप होगा। और एक तीर्थंकर के अंडर में तो हजारों लाखों केवली भगवंत होते हैं। समझ में आया? तो उसकी सहनशानियत चलती रही, खाली उसने एक गलती की, उसका उसको भुगतना है अभी नरक में, तो उसका वो भुगतान करके फिर आ जाएगा और बनेगा एंड में क्या?
तीर्थंकर, समझ में आ रहा है? और राम तो केवल ही होकर चले गए, सामान्य केवल ही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन लेकिन मुक्ति की दृष्टि से दोनों एक ही है, पर पुण्य और ऐश्वर्य की दृष्टि से दोनों अलग है, दोनों का पावर अलग है। व्यवहारिक पावर, आंतरिक पावर सेम है, व्यवहार, दबदबा, लोगों के ऊपर प्रभाव, क्योंकि वैसा उन्होंने निर्माण किया है अपने आत्मसत्व से। हाँ, आत्मसत्व से निर्माण करते हो तो उसका परिणाम मिलेगा ही, एकाध दो चार गलती हो जाए तो उसमें कोई नहीं हो, उसका भुगतान कर लेंगे। लेकिन वो जो पराक्रम किए बड़े बड़े, उसका तो परिणाम बड़ा बड़ा ही मिलेगा। अभी आपको क्या बनना है? राम बनना है कि रावण? रावण तीर्थंकर हुआ, राम केवली हुए, राम उसी भव में केवली हो गए, रावण नरक में जाके तीर्थंकर होगा। बोल अभी क्या बनना है? भैया जो मिला उसको पकड़ ले भाई, तीर्थंकर हो गए नहीं हो गए किसने देखा है, अभी जो हाथ में आता है उसको पहले बुक कर दो, है कि नहीं? कि भैया स्लीपर में मिल रहा है तो स्लीपर बुक कर ले, फिर उसमें एडवांस हो जाएगा तो हो जाएगा, अच्छी बात है, फर्स्ट एसी कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन वो फर्स्ट एसी के चक्कर में स्लीपर भी घुमा दे, ऐसा ना कर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रामनवमी आ रही है, कल है सम्यक दर्शन का दिन, लेकिन वो आज कल की रात और आज की रात कैसे काम करते उसके ऊपर है सब निर्भर। कल क्या किया आपने और आज क्या करोगे, आज की रात। कल भगवान ने बताया, भैया देखना जानना अनुभव करना, और उसमें अलर्ट रहे, बस मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराऊंगा, आप कैसे भी हो आई लव यू, नमो जीराणम जय भयानम। इसकी अलर्टनेस और कंटिन्यूअस चालू रख, ये ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान प्राप्त किया। आज क्या बोलते हैं? आज उस पे लगे रहो मुन्ना भाई, कल आपको 24 घंटे का मोहलत दी, नोटिस दी कि भाई सम्यक तप शुरू हुआ, यानी इसको इंप्लीमेंट करने की शुरुआत, ये इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड सम्यक तप। जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं है तब तक कुछ नहीं है, सब ज्ञान ही ज्ञान है, जानकारी है। टेन परसेंट देखो, ज्ञान के लेवल में बताता हूं, आपने जाना, पहले आप जानते ही नहीं थे तो आप जीरो मार्क्स पे हैं। आप यहां आ रहे हो, सुन रहे हो तो जान रहे हो, बराबर है? तो जानकर आपने अगर स्टोर कर लिया तो 10 मार्क्स, जानकर स्टोर कर लिया तो 10 मार्क्स, आगे समझ लिया, समझ लिया तो 20 मार्क्स, कितना हुआ 10 प्लस 20 30, फिर भी फेल हो। जाना 10 मार्क्स, समझ लिया 20 मार्क्स, स्टिल यू आर फेलिंग। Then passing starts from your this moment after समझना। समझने के बाद जितना जितना implement करोगे वैसे marks add होते जाएगा, टक 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 टक। पेट्रोल की टाकी में पेट्रोल कैसा भरता है, ऐसे आपके marks बढ़ते जाएंगे, समझ में आ रहा है? और ये marks
मार्क्स बढ़ाना यह है सम्यक तप। मार्क्स बढ़ाना यानी कर्म निर्जरा करना, कर्म के चक्रव्यूह में से भार मुक्त होना। अगर आपको विचार आया कि अभी मैं क्या करूं, उसमें मेरा क्या गलती है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे है, वैसा है, ऐसा है, तैसा है, तो गए काम से, बहानेबाजी किया तो गए काम से। After knowing, after understanding what you have to do, Jnanina karto adhan, Jnanina karto bahuman, और वो जो बोले उसका पालन करना, तो सीधा आप अगर इसमें ईमानदार रहे तो 10 प्लस 20 प्लस 30 आज्ञा पालन आकर मान सम्मान जैसे ये आज्ञा का पालन अमल और बहुमान ये दो चीज के जैसे किया तो सीधा 30 प्लस 30 फर्स्ट क्लास हो गए। पहले जानना, फिर समझना, फिर अमल करना और ज्ञान का बहुमान करना, सीधा फर्स्ट क्लास। ज्ञान मार्ग के अंदर ये सबसे महत्व का क्षेत्र है। अगर ये आपने आदर मान आज्ञा पालन आदर मान बहुमान कर लिया तो एफर्टलेस, क्योंकि आज्ञा पालन हो रहा है, आप अपनी बुद्धि नहीं वापर रहे होगे। आपने क्या कर लिया, बुद्धि हायर कर ली, क्या कर लिया, हाँ अपनी बुद्धि को जेब में डाल दिया और सद्गुरु की बुद्धि से चलना शुरू कर दिया। भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्या करना है, यस सर, तहती बनते तहती बनते तहती बनते तहती बनते करते जाए। जैसे जैसे कंटिन्यू चलते रहेगा वैसे कर्म निर्जरा शुरू हो जाएगी। तहती बनते तहती बनते खटाखट खटाखट स्पीड से आगे बढ़े मामला। तो कर्म निर्जरा शुरू हो गई, किसके आधार पे हुई, ज्ञानी की आज्ञा का पालन और आदर मान सम्मान बहुमान बहुमान पूर्वक। जैसे बहुमान आया ना तो रोते रोते आज्ञा का पालन नहीं होता है, समझ गए, अभी वो बोल रहे थे करना पड़ेगा, मुंह फुला कर करेंगे, बर्डन करेंगे, अभी इससे तो छुटकारा तो पा नहीं सकते, वो बोले हैं जब तक उसके साथ रहना भी पड़ेगा क्योंकि अपने को मालूम है इसके ये नहीं होंगे तो अपने तो वांधे हो जाएंगे, तो पकड़ना तो पड़ेगा, मजबूर करना, महात्मा गांधी बोले रोते रोते करो। अगर ऐसा किया तो करने के बावजूद भी आपके मार्क्स अब फेल चले जाओगे, जो लास्ट वाला 30 था वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है हाउ दिस वर्क, मैथमेटिक्स ऑफ कर्म, समझिए। सो अगर ये तीन स्टेप में आप सफल हुए और फिर उसमें खुद की जागरूकता और ईमानदारी ऐड हो गई, खुद की जागृति ईमानदारी ऐड हो गई तो 80 मार्क्स, और जितनी जागृति ईमानदारी बढ़ते जाए
वैसे वहां से 80 से सीधा आप यू स्टार्ट विद 80 यू हैव ऑल दीस थिंग्स तो नैरो ही नहीं आ रहा है। फिर खाली क्या है 80 से 100 की रेंज है बस। ये आसान है कि डिफिकल्ट है? बहुत आसान है। आप ऐसे समझोगे, एक चीज रखनी है, उत्साह से करना है और आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आपको ऐसा मिलाप मिला। ज्ञानी का मिलाप मिलना ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। ऐसा समागम मिलना ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। समागम के बाद ये सब आराधना साधना मिलनी, उसके बाद ऐसे ज्ञान मिलना, ऐसे ज्ञानी मिलने, ये सर्वोत्कृष्ट पर्याप्ति है। आप लोग यहां जितने लोग आ रहे हैं ना, यू आर द लकीएस्ट ऑफ होल वर्ल्ड। अभी यहां आकर चूकना मत, आपको पूरा रास्ता बता दिया। देखो यहां आकर आप जान रहे हो 10 मार्क मिल रहे, समझ रहे हो 30 मार्क मिल रहे, अगर समझ रहे हो तो। नहीं समझ में आता है तो पूछो बार बार, क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन। सवाल पूछेंगे तो कैसे लगेंगे, हम बुद्धू लगेंगे सबके बीच में, क्या सवाल पूछूं, कैसे लगूंगा या कैसे लगेंगी, वो कुछ नहीं सोचना है भाई। यहां तो मौका पे चौका मारो, फटाफट सवाल करो, लेकिन सवाल पूछने के लिए पूछना नहीं है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन नहीं करना है, हासिल परिणाम हासिल करने के सवाल करना है। तो जाना, समझा, आज्ञा का पालन, उत्साह, बहुमान, आदरमान 60 मार्क्स, फिर ईमानदारी और जागृति 80 मार्क्स, योर डिस्टिंक्शन। ये ईमानदारी और जागृति ये है सम्यक तप। समझ में आया? ईमानदारी और जागृति है सम्यक तप। मेहनत इसकी करनी है। हमारे अंदर ना ईमानदारी है ना जागृति है। व्हाट इज मिसिंग? दिस बोथ आर मिसिंग। अलर्टनेस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, बस इसको डेवलप करना है। ये सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान क्या है? जानना, समझना, उत्साह बढ़ाना, आदर मान करना और विनय का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। अगर ये करना शुरू कर दिया इंप्लीमेंटेशन, देन क्या क्या परिणाम आते हैं ये पूरे काव्य के अंदर, ये अष्टक के अंदर क्या बताया है? जय जय तप पद नमी आज, जय थी सगड़ा सीजे काज, तप थी विघ्न टड़े तत्काल, भाव मंगल तप गुण उजमाल। ये सब क्या वर्णन है? ये तप का वर्णन है, सम्यक तप का वर्णन है, लेकिन सम्यक तप का स्वरूप क्या है जो मैंने आपको बताया? वापस बोलू, रिपीट करूं, 80 मार्क्स तक कैसे पहुंचना बताऊं? सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानना और समझना। फिर गुरु आज्ञा में रहकर इंप्लीमेंट करना और बहुमान पूर्वक इंप्लीमेंट करना, खुशी खुशी इंप्लीमेंट करना, अंदर गदगद होकर करना, अपने आप को धन्यता महसूस करते हुए करना। अरे कितना धन्य हूं मैं, ये इतने करोड़ों अरबों लोगों को नहीं मिला, मेरे को मिल गया। आह, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। हाँ, आपको 10 करोड़ की थैली मिल जाए, जो मैं बोल रहा हूं वही बोलोगे कि नहीं? अरे बोलो, अरे तो ये तो 10 करोड़ क्या,
अरबों का खरबों का काम है, ये मिल रहा है फिर भी उसका एहसास नहीं है। यही हमारी कमजोरी है। बस ये कमजोरी को हटाना, इसी का नाम है सम्यक तप। तप का काम क्या है? जो भी रोड़ा बीच में आता है उसको हटाना, ज्ञानी की सहायता से हटाना। आपकी ताकत नहीं है, ज्ञानी की सहायता। वो आपने जैसे आदर मान बहुमान और आज्ञा का पालन किया ना, आपने तय कर लिया नहीं मुझे आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं, मेरा खुद का दिमाग नहीं वापरना है, और वो जो बोलते हैं उसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, जितना पालन करता हूं उतना मुझे बहुत अंदर से आनंद आता है, और मैं बहुत लकी हूं, बहुत लकी हूं, बहुत लकी हूं, बस अपने आप को ऐसे बोलते जाओ तो यू विल बी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट साधक। और फिर उसके अंदर लगे रहो मुन्ना भाई, ईमानदारी एंड जागृति एंड ये ईमानदारी जागृति से इंप्लीमेंटेशन, तो क्या होगा परिणाम? ये बोल रहे जे थी सगड़ा सीजे काज, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम टिकेगा नहीं। दूसरा क्या बोलते हैं? तब थी विघ्न टड़े तत्काल, इमीजिएटली कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप ज्ञानी के अंडर में हो, ज्ञानी फटाफट आप जाएंगे दौड़ते दौड़ते, साहेब ये आ गया है क्या करूं मैं, ऐसा करो इसके बाद ऐसा ऐसे कट, वहां टाइम पास भी नहीं होगा क्योंकि आपका उनके साथ फ्रीक्वेंसी जम गया है, क्योंकि आप पालन कर रहे हो उनको, उनके साथ हर चीज शेयर कर रहे हो, तो उसमें फिर टाइम पास नहीं होता है। यू आर इन स्ट्रॉन्ग टच विद दैट एंटिटी, समझ गए? वो आपने काम किया है, आपको काम करना पड़ेगा। ये आदर मान बहुमान सम्मान और आज्ञा का पालन, ये आपको उनके नजीक लेके जाएगा। तो क्या बोले यहां परिणाम क्या था? तब थी विघ्न तड़े तत्काल, वहां विघ्न खड़ा रह सकता नहीं है, खड़ा ही नहीं रह सकता। और ज्ञानी के साथ है तो आप विघ्न के अंदर घुसो या विघ्न आता हुआ उनको दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। वो बोलेगा ऐसा मत कर भाई, ऐसा करना बंद कर दे। बोले क्यों? क्यों वो नहीं बोला बंद कर दे तो बंद कर देने का, आपको नहीं दिख रहा है उनको दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब वो जोर से बोले तो समझना सीरियस मैटर इज वेरी सीरियस, फिर विद्रोह मत करना उसके सामने, खत्म। आपने अपना पूरा भांडा फोड़ दिया, चकनाचूर हो जाओगे ऐसा किया तो। जब रियलाइज हो जाए तुरंत क्षमापना कर लेना, अंतर क्षमापना, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, जागरूक रहूंगा, हे प्रभु क्षमा कर दो ये मेरे से बहुत गलती हो गई, अभी मैं जागरूक रहूंगा, ईमानदार रहूंगा और जो इसे बताए वैसे करूंगा। व्हाई नॉट? ये बोला था हो गया, वो बोला था हो गया, इसमें कीड़ा खड़ा हो गया, मैंने नहीं सुना और ऊपर से वापस आर्ग्यूमेंट कर दिया, गया मैं काम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तत्काल परिणाम चाहिए तो आज्ञा का पालन जबरदस्त करो। अलर्टनेस से करो। समझ में आया? तत्काल परिणाम चाहिए ना? हाँ, तो ये कंटिन्यूटी रखो, और कंटिन्यूटी और आदान प्रदान, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो। कुछ भी हो गया तुरंत, कुछ भी हो गया तुरंत। अरे गौतम स्वामी जैसे, गौतम स्वामी इतने महान ज्ञानी भी ऐसा करते थे। मैं जब शुरू शुरू में छोटा था तब ऐसे सुनता था ना, मैंने बहुत सुना है, मैंने बोला ना वो कल्प सूत्र तो उसमें सब वर्णन आता है। तब मैं छोटा था, इतना सा छोटा था, छोटी उम्र में सोचता था आने कहीं बहु अक्कल न लगती गौतम स्वामी ने, क्यों ऐसे कैसे मेरे जैसे इतना छोटे बच्चे को मालूम पड़ता है, ये सवाल नहीं करना चाहिए, और वैसा फिर भी करते थे। समझ गए? और आधा ज्ञान होता है ना उसका यही हाल होता है, जैसे मैं छोटा था तब जो सोचता था। अरे अपना अपना खुद का तो भी इंटेलिजेंस होता है ना, कुछ तो अपना खुद का तो वापरे,
नहीं। अरे एक सिंपल बात, एंड में देव शर्मा के पास भेज रहे भगवान, पूरी दुनिया को मालूम है फालतू की जगह में भेज रहे इनको, पूरी दुनिया को मालूम है। गौतम स्वामी को नहीं मालूम होगा क्या? हाँ, वो देव शर्मा तो भगवान का फॉलोअर भी नहीं था, वो तो विरोधी था, सबको मालूम है, पूरी प्रजा को मालूम है जितनी वहां बैठी थी। उनके खुद के 50,000 शिष्य केवल ज्ञानी थे, उनको भी मालूम था, वो तो केवल ज्ञानी है, बोल सकते गुरुदेव ये अभी जाएंगे, कोई ने बोला नहीं उनको और किसी का सुना नहीं उनने। समझ में आ रहा है ये आज्ञा का पालन का महत्व? समझ में आ रहा है आदर मान बहुमान और आज्ञा का पालन? नो क्वेश्चन नो आंसर। उनको मालूम है मेरे लिए बेस्ट क्या है, टॉप क्या है, उनको मालूम है। मैं कहां उनके लेवल का, मैं कहां उनके कल उनको उनके साथ मुकाबला कर सकूं, बेवकूफ हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है, जबरदस्त कर्म निर्जरा करने का ये सिस्टम है, उत्कृष्ट तप बोलते हैं इसको, उत्कृष्ट तप। आप कितना भूखा रहे हो उत्कृष्ट नहीं है। यह आज्ञा का पालन आदर मान बहुमान ये उत्कृष्ट तप है। उसका परिणाम ये सब अभी जितने भी लाइन लिखे हैं ना, सब उसका परिणाम है। भाव मंगल तप गुणोजमाल, आपका भाव और मंगल निश्चित होगा। सभी विकारो तपती जाए काया कंचन वर्णी खाए। वाह वाह वाह, आज्ञा का पालन किया, एक विकार अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि अभी आपके अंदर जो आकार है वो मात्र गुरु आज्ञा और बहुमान का आकार है, तो कोई विकार अंदर घुस नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आपके पास जो हार्ट है वो हार्ट की स्पेस है, उस स्पेस में आपने पूरा अपने ज्ञानी को भर दिया और किसकी जगह नहीं रखी, उनके आज्ञा का पालन बहुमान आदर मान सम्मान और खुशी खुशी बस, किसी और की जगह ही नहीं रखी, तो क्या होगा? यही होगा सब। क्या होगा? सभी विकारों तपती जाए काया कंचन वर्णी खाए। विकार वहां खड़े रह नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर जो जगह थी हार्ट में दिमाग में, आपने क्या भर दिया? ये डेटा भर दिया। फिर कोई और डेटा घुस सकता है क्या? फालतू डेटा, कोई फालतू गिरी या फालतू डेटा घुस सकता है क्या? जस्ट टेल मी विथ योर लॉजिक। घुस ही नहीं सकता। आपने जगह भर दी दिमाग की और हार्ट की, किससे भर दी? उनके प्रति अहोभाव आदर मान, एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग एंचांटिंग एंड लविंग मोर एंड मोर। एक एक जैसा परिणाम मिलता जाए आपकी दृढ़ता और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। समझ में आ रहा है? तो ये फालतू ये जो जितनी चीज है वो आपके विघ्न हो या ये विकार हो, ये कुछ टिक सकता है क्या? बिना मेहनत किए सब खटाखट बाजू में, आपके जीवन में जो अंतराय आने वाले वो भी खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी चौकीदारी किसने की? आपके ऊपर जो बैठे ज्ञानी उन्होंने कर दी। भाई इधर नहीं आने का, क्या उसको नहीं दिख रहा है मैं बैठा हूं, जस्ट गेट आउट। किसको बोलेंगे? विघ्न को बोलेंगे, विकारों को बोलेंगे, चल हट इधर से। वो काम कौन करेगा? ज्ञानी करेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने उनको सारा कुछ सौंप दिया है। जब आप किसी को सौंप देते हैं ना, तो आपसे 10 गुनी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। आप तो सो जाएंगे जिम्मेदारी देकर, लेकिन वो 24 घंटे जागेंगे आपके लिए। ये है सम्यक तप। ये सम्यक तप, ये मैं जो समझा रहा हूं समझने में बहुत इजी लग रहा है, पालन करने जाओ ना तो बहुत लड़ाई करनी पड़ती है अंदर से।
ऐसा कैसा है, बार बार बात बात में आपको लॉजिक बीच में आएगा, नड़ेगा। ये तो देखो, ये लल्लू बनाने का धंधा है, उसके उसको पकड़ में रखने का धंधा है, ये क्या है, शकंजे में रखेंगे अपने को, फिर जीवन भर उसके पीछे दौड़ते रहो, बस उसको यही चाहिए। क्या क्या विचार आएंगे आपको, आएंगे ना? उसको क्या लड्डू मिल जाएगा भाई? तेरे जैसे हजारों लाखों पड़े हैं इधर, हजारों लाखों करोड़ों, सबको क्या शकंजे में रखने के लिए कर रहे हैं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस इतना भरोसा रखो, इसका आनंद लो, उत्साह बढ़ाओ, आज्ञा पालन करो और देखो क्या चमत्कार होते हैं। क्षण क्षण चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि भाई आपके जीवन में कितने चमत्कार हुए, बोले कितने क्या बोलते हो, हर क्षण हो रहा है। मैं जो एक्सपेक्ट नहीं करता हूं वो हर क्षण हो रहा है, जो सोचता हूं अपने आप हो रहा है, जो इच्छा करता हूं बोलना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, और उसकी कृपा किसकी है? आज्ञा पालन, अहोभाव, आदर मान, बहुमान, समझ में आ रहा है? आप उपला माल खाली नहीं हो गया? आपको आपका उपला माल बराबर है, लेकिन आपने स्मार्ट उपयोग करना शुरू कर दिया। स्मार्ट किसको बोलते हैं? एक बार समझ में आ जाए ना कि ये धुरंधर है। गौतम स्वामी खुद भी धुरंधर थे, झगड़ा करने ही गए थे, और समझ में आ गया कि ये तो बाप है, सबका बाप है, हो जाओ भाई, आत्मसमर्पण कर दो। वो 11 भाइयों को बोल दिया, भाई आवाज नहीं करने का, चुप। परिणाम देखो, इनके पास ये सब कुछ है, इनके पास पता चल गया मेरे को। 6 महीने में तो 10-11 में से 9 भाई को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी, ये दो ही बचे, केवल ज्ञानी हो गए। वो आपके काम के नहीं, क्योंकि वो आपकी परंपरा नहीं चलाएंगे। आपकी परंपरा किसने चलाई है? दोनों ने। और गौतम स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी ने पूरी परंपरा स्थापित की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज आपको ये सब मिल रहा है, ये हलवा के जैसा मिल रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं हो रही है। लेकिन ये अनंतानंद का काम करने वाली चीज है, अनंतानंद का काम। काम बहुत सिंपल है, लेकिन दिखना जितना सिंपल दिखे ना, उतना आप सिंपल रहो। यू मेक योर सेल्फ सिंपल, डोंट ट्राई टू बी क्रूकेड और कॉम्प्लिकेटेड। इफ यू ट्राई टू बी क्रूकेड एंड कॉम्प्लिकेटेड, थिंक अदर वे राउंड, आपको शंका ही आए हर बात में, तो गए काम से। कॉम्प्लिकेटेड और क्रूकेड कौन होता है? जो शंका करता है। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड और क्रूकेड कौन होता है? जो जो भगवान और ज्ञानी को भी छोड़ते नहीं है। तो उसमें भगवान और ज्ञानी का क्या नुकसान है? कुछ नहीं है भाई। तेरी भव परंपरा की सत्यानाश तू आग लगाने आया है, और उसका पालन करना यही सबसे बड़ा तप है। तप यानी भूखा रहना नहीं है मेरे भाई। जो हमारे अंदर कंद भरे हुए हैं ना सब, उस कंद को जो निकालने वाले आए हैं ना, उसको निकालने दो। अलाउ दैट एंटिटी टू डू, दैट एंटिटी इज डिवाइन। आपको दिखता नहीं है, उनको सब दिखता है। ओपन आउट योर सेल्फ एंड जस्ट अलाउ दैट पावर एनर्जी टू वर्क इन यू। आपको क्या करना है? समर्पण, आत्मसमर्पण, ओर आउट एंड एंजॉय दैट फ्रीडम एवरी मोमेंट। आज्ञा पालन ही आपका फ्रीडम है। और आप क्या सोचते हैं? ये दासगिरी, ये चमचागिरी, ये उसकी बात बात में सब उसी का सुनो, उसी का सुनो, उसी का सुनो। जरा आप अपना कुछ बोलो ना तो अपने को काट देगा, वो सुनते ही नहीं है। ऐसा जैसा विचार आया,
जो भी बचने का थोड़ा बहुत चांस था ना, वो सब आपने दरवाजा, समझ गए, ये सबसे बड़ा तप है। तप आपका सबसे बड़ा रोड़ा जो है ना, उसके सामने लड़ाई करने का ये शस्त्र है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, अगर उसका पालन करो ईमानदारी से तो बहुत सिंपल है। लेकिन जैसे आपने शंका किया तो आपने मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया। समझ में आ रहा है? यू वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड बाय लिसनिंग टू अवर लॉजिक रीजनिंग। कीप दैट आउट। लॉजिक रीजनिंग यानी पूर्व संस्कार। वो कहां से आता है आपका लॉजिक? पूर्व संस्कार में से आता है। और पूर्व संस्कार अगर सुसंस्कार हो तो आपका लॉजिक आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। और उल्टा हो तो गया काम से, आपको उल्टी मति सुझाएगा, उल्टी मति सुझाएगा और आप भाग जाओगे इसे। समझ में आ रहा है? तप गुण थी ओपेचे धर्म जिन आणा नो पामो मर्म। क्या बोलते हैं? काया कंचन वर्णी था। आपका जो बॉडी है, आपके जो प्राण है, शरीर एकदम, यू विल स्टार्ट ग्लोइंग कंचन वर्णी, यानी यू स्टार्ट ग्लोइंग ग्लिटरिंग लाइक गोल्ड। देखो आप ऐसे, मैं जो बता रहा हूं ऐसे आप करना शुरू करोगे ना, आपके फेस के ऊपर जो प्रसन्नता है ना, अंदर की जो खुशी की जो मुख पे प्रसन्नता है ना, उसे काया कंचन वर्णी यानी इट ग्लिटर्स लाइक गोल्ड। सोना कैसे चमकता है, वैसे चमक आपकी चेहरे पर आ जाएगी, आपके पूरे पर्सनालिटी पे आ जाएगी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाओगे आप अगर ये करोगे। सडनली पीपल विल स्टार्ट लविंग यू एंड कम नियर यू, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल। क्या आपने किया एक्स्ट्रा स्पेशल? यही किया। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, यू आर ऑलवेज सरेंडर एंड यू आर एंजॉइंग एंड यू आर फीलिंग लकी कि बहुत भाग्यशाली हूं, के वो भाग्यशाली भगवान नी भूमि ने आवी ने मैं पिछाणी। वाह वाह, ऐसी भाग्यशालीता आप महसूस कर रहे हैं अंदर से। ओ, अंदर से नाच रहा है आपका हृदय, आप उसी में खो गए। ये आपका तप है। और ऐसे तप से क्या होगा, आपका जो ऑरा है ना, जबरदस्त चमकेगा बाहर। समझ में आ रहे? कर्म निकाचित सभी दूर था, अनुबंधों नासज था। अभी जिन आज्ञा का मर्म हम नहीं जानते, लेकिन आज्ञा के पालन से वो मर्म सारे ऑटोमेटिकली आ गए। हमको मर्म जानने की क्या जरूरत है? ज्ञानी के आज्ञा का पालन किया, अंदर से उत्साह आ रहा है, खुश है, हम वी फील लकी एंड वी एंजॉय। क्योंकि मुझे मर्म जानने की क्या जरूरत है? जब उनकी आज्ञा का पालन का तय कर लिया, बात खत्म, मैटर ओवर। मुझे अपना दिमाग वापरना ही नहीं है, लॉजिक वापरना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गूढ़ रहस्य जो है वो अपने को फ्री में मिल जाएंगे, बोनस, फ्री बोनस। भावना बेन को पूछो फ्री बोनस तो चमकेंगे, फ्री बोनस। या ऑनलाइन का ये धंधा है, फ्री बोनस, लाइन लग जाएगी, फ्री बोनस। कर्म निकाचित सभी दूर था, अनुबंधों नाशस था। अरे निकाचित कर्म है, यानी कि आपके जीवन में जो तूफान होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें बहुत बड़ा डैमेज होने वाला था आपका, वो सब जो घास है आपका खत्म, आप खत्म होने वाले थे, वो कुछ नहीं, थोड़ा सर घसर का बोलते हैं ना, जरा खरोच आकर निकल गया। इतना पावर है इसका। एंड दिस इज तप, दिस इज सम्यक तप। सम्यक तप इज जो आप लोग जो क्रिया करते हो, जो उपवास करते हो, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन
जब तक ये अंतर में ये ऐसा मनन चिंतन निधि ध्यासन नहीं होगा, ऐसा आंदोलन नहीं होगा, तब तक आप सम्यक तप में नहीं हो। ये जितने भी परिणाम है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन। आप उपवास कर रहे हो या एम डील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितनी भी खमा समणा दे दिए, जितनी भी क्रिया बोली महाराज साहब ने सब कर ली, लेकिन ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यू आर जस्ट इन अ प्ले ग्रुप, दैट्स ऑल। प्ले ग्रुप के बच्चे लोग को मालूम है ना आपको, उसको एबीसीडी भी नहीं सिखाते, खेलते रहो बस, ये खेल ही आ। धर्म क्रिया वो खेलने का, बच्चों लोग को खिलाने का तरीका है, ताकि कभी ना कभी उसमें रुचि दिखाएगा। ज्ञान रुचि जिस दिन होगी उस दिन होगी, तब तक खिलाते रहते हैं आपको सबको, समझ गया। जो धर्म क्रिया आप देख रहे हो, कर रहे हो, जान रहे हो, लोग कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में कर रहे हो और जीवन भर कर रहे हैं, पूरा सब प्ले ग्रुप है। तब का स्वरूप जो आप सुन रहे हैं वो है, अनुबंधोनो नाश स्थाय, आहार संज्ञा दूरे थाय, अनहारी पद प्राप्त थाय। आपको आहार संज्ञा से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती आयम बिल करो, ये करो, उपवास करो, एकाचना करो, ओ सीधा पचखान ले लो और धब पे धबा धब करते जाओ। करोगे आप ठीक है, वो जब तक मैंने ये जो स्टेप्स बोले हैं वो नहीं है, जागृति नहीं है, ये आप सब नहीं करते हो और वो करते ही जाते हो, आप इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है आपका और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, ना ध्यान है ना इंटरेस्ट है। तो बताया ना भगवान ने, क्या बताया ज्ञान ने, क्या बताया, बहु करोड़ों वर्षे खपता अज्ञान तप थी कर्म जजे। करोड़ों साल तक ऐसी धर्म क्रिया करते रहो और उसमें करोड़ों साल के बाद जो परिणाम आएगा ज्ञानी वो एक आंख के पलकारे में करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, एक सांस में करके निकल जाएगा और आप करोड़ों साल तक वो करते रहो, हाँ? 1008 आयम बिल, 1,08,000 आयम बिल, इतने खमा समणे, इतनी शत्रुंजय की यात्रा, ये फला ढिकना पूछना भन, जो दुनिया भर का सब कर लिया, लेकिन ये नहीं है अंदर तो सारा अज्ञान है, और वो अज्ञान है तो कर अज्ञान का तप है। वो करोड़ों साल ये सब करोगे उसमें जो आपको इतना सा इतू सा परिणाम मिलेगा, वो ज्ञानी तो एक एक आंख के पलक में कर लेते। अब बोलो, हाँ, तैयार थई ने आवू, 15 दिवस अहीं आवू, शीत चक्र यंत्र सामे बेसवू, 7:30 नो टाइम छे एटले 6:30 घरे थी निकळवू, अहीं पहोंचीए, पछी बधुं करीए, तैयार थईए, पछी रातना घरे रातना 11:30-12 वागे पहोंचीए, केटली मेहनत छे, हाँ? और 15 दिन करना, दुनिया भर का सुनना, घर वाले का सुनना, बाहर वाले का सुनना, कितनी जहमत उठा रहे हो आप। लेकिन ये जहमत तब वसूल होगी जब आप, मैंने जो बताया, सम्यक ज्ञान पूर्वक किया तो वसूल, तो पैसा वसूल, तो आपका अनंता अनंत कर्मों का नाश 15 दिनों में हो जाएगा। और ये कुछ नहीं किया तो क्ले ग्रुप हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ, दिस इज वेयर वी मिस द बस। प्रभु आणा नु पालन थाय, साते धातु शुद्ध थाय। क्या बोल दिया, वापस आणा आ गया, आ गया। भगवान ने क्या आज्ञा दिया भाई, वापस बोलू मार्क्स वाला बात बताऊं, हैं? आपने सुना और सुन के स्टोर कर लिया 10 मार्क, सुना और समझा प्लस 20, 30 मार्क्स,
फिर स्टिल यू आर फेलिंग एज पर इंडियन स्टैंडर्ड. फिर आज्ञा का पालन, बहुमान, आदर मान, सम्मान, आंतरिक खुशी, ओ हो धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, बस ऐसी भावना होनी. और आज्ञा का तटस्थ पालन और सदगुरु के प्रति ओहो हो आई एम सो लकी, हा 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 हा, मुझे ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे मार्गदर्शक मिल गए, सदगुरु मिल गए. तो 30+30 हो गया. खाली ये दो तीन काम करने से 60 मार्क्स हो गया, फर्स्ट क्लास तो हो गया आपका. फिर ईमानदारी और जागृति. बोनस आ गया 10+10, ईमानदारी 10, जागृति 10, 80 हो गया. अब इसके ऊपर बिल्ट अप करना है 80-100. करोगे क्या? तत्क्षण धड़ाधड़ 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 कर्म निर्जरा शुरू. आपने एक भी आई एम बिल नहीं की, एक भी कुछ नहीं किया, वो क्रिया जितनी भी बताई गई है स्टैंडर्ड, वो कोई प्रक्रिया, वो कोई क्रिया नहीं की आपने, लेकिन ये जबरदस्त पालन शुरू हो गया आपका. दिस विल फैच यू रिजल्ट. और जो आप जो क्रिया बोल रहे हो वो क्रिया सहज भाव से हो जाती है, वो करनी नहीं पड़ती है. क्रिया कभी करनी होती नहीं है, ज्ञान का परिणाम क्रिया है. ज्ञान प्राप्त होने के बाद, समझने के बाद, आज्ञा पालन करने के बाद जो का जो कुछ एक्शन होता है उसका नाम सम्यक क्रिया है. क्रिया यानी धोखा पछाड़. मालूम है रेसलिंग, पहले के कुश्ती के वो अखाड़े में जाओगे तो 100 दंड और 100 बैठक पहले करो. 100 दंड और 100 बैठक, वो बस जो 100 दंड 100 बैठक कर सके वो ही टिक सकता है, बाकी को भगा देंगे, जा भाई तेरा काम नहीं है. फिर वो आगे एडवांस में वो धोखा देता है, 5 किलो एक बाजू, 5 किलो दूसरा बाजू, डू 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 डू. समझ में आया कि नहीं? ये सब क्रिया है. बस वो अखाड़ा हम यहां करते हैं धर्म के नाम पर, यही अखाड़ा करते हैं, ज्ञान से कुछ नहीं करते. ये ज्ञान मार्ग है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट. इफ यू इंप्लीमेंट दिस वे इज हाई स्पीड, नॉट हाई स्पीड, लाइटनिंग स्पीड, परमाणु की स्पीड से जाता है, परमाणु की स्पीड से. यस यू कैन नॉट इमेजिन. गौतम स्वामी ने लाइट के परमाणु पकड़ के सीधे पहुंच गए ऊपर, और वहां सब 1500 देखते रह गए. समझ गए ज्ञान का ये महत्व है. वो सब कर रहे थे क्रियाकांड, 1500 तापस कितने सालों से, हाथ में कुछ नहीं आया. ज्ञान का स्वरूप समझ में आ रहा है? गुरु आणानु, प्रभु आणानु पालन थाय, साते धातु शुद्ध थाय. ये साते धातु यानी 7 चक्र जो आपके एनर्जी सेंटर से, वो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे. मैंने क्या कहा, ये इतना करने से आपका शरीर, प्राण, चित्त, मन, बुद्धि, ये 5 लेवल पे शुद्धिकरण धड़ाधड़ होना शुरू हो जाएगा. काया कंचन वर्णी थाय, योर बॉडी इज जस्ट विल फ्लैश लाइक गोल्ड. ये सब करने से कर्माश्रवनो नाशस थाय, निष्कर्मा थई मोक्षे जवाय. फिर तो कर्म को आने दो भाई, जो भी आता है आने दो, चलो आने दो, आने दो, आने दो. ज्ञानी मेरे साथ है और मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, मेरी ईमानदारी मेरे साथ है, मेरी जागृति मेरे साथ है. यस, लेट इट कम, शूट एट साइड, टका टक टका टक टका टक. दिस इज सम्यक तप, इसको सम्यक तप बोलते हैं. समझ गए क्या?
और हम लोग क्या करते हैं, साहेब आ नौ दिवस ने आंबेल करू छू, ओलू विघ्न टड़ी जाए वो करजो, हमणा बहु पनोती चाले छे, घरमां पण बहु तोफान छे, आ नौ दिवस ने आंबेल करू एटले आ बधा तोफान खतम थई जाए। करते के नहीं हम ऐसी इच्छा? अरे बोलो, इसको धोखा पछाड़ बोलते। ये अज्ञान का स्वरूप है। क्या आप मार्केट में जाके जो रुपया देकर माल लेते हैं ना, ऐसा भगवान के साथ भी सौदा करते हैं। ये भगवान आज ते आईएमबी लावी गई छे, आ नौ दिवस नहीं करू छू, नौ दिवस न फावे तो 18, 18 न फावे तो 1000, बोलो जेटलो मोटो प्रॉब्लम एटला वधारे आईएमबी करीशू, पण अमारो प्रॉब्लम सोल्व थवो जोईए। इज दिस द वे? हो जाए अलग बात है, लेकिन दिस इज नॉट द वे। जो भगवान जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, दैट इज यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल, एवर सक्सेसफुल। तुक्का मुक्का पुक्का नहीं है। बार प्रकारे तप सुखकार तेह थी, आत्मिक लाभ अपार, विषय कषाय ना ताप हरे, तप पद थी जीव समता धरे। क्या बोला? अगर आप जो भी ये भगवान की आज्ञा का पालन, सद्गुरु की आज्ञा का पालन, बहुमान सम्मान उनके जो भी बोलते हैं ऐसे करते जाओ, तो सर्व कर्म का नाश होगा, सब प्रकार के तप उसी के अंदर आ गए, और वो ही आत्मिक लाभ अपार, विषय कषाय ना ताप हरे, तप पद थी जीव समता धरे। समता धरे यानी क्या? समता का मतलब क्या है? चलो, सबसे बड़ा भ्रम लोगों को है, समता यानी क्या? बोलो मनीषा, समता एटले शू? बोलो कल्पना बेन, समता बोलो, प्रवीणा बेन, समता एटले शू? संभव एटले शू? अरे भाई, डोंट टॉक टेक्निकल, जिस सामान्य या छोटा बच्चा बैठा है उसको समझ में आई सी भाषा बोलो। बोलो भावना बेन, बोलो प्रीति बेन, આનંદમાં રહીશ, હસતો રહીશ એમ બોલ્યા કરું, એમ મારે નથી થવું હેરાન એમ બોલ્યા કરું, એમ જાગૃત રહીશ એમ બોલ્યા કરું, એમ ધીરજમાં રહીશ, ધીરજ બાપુને પગે લાગી। See, we have a very big confusion about samta. Very big confusion. And I hajar var, lakh var hun bolyo chu. What is the lakshan of samta? Bas! That is samta. एक छोटे बच्चे को आपको समता सिखानी है, ये इसी बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी चौड़ी बातें मत करो, दैट शोज यू आर कंफ्यूज। आपके मुख पर कोई भी परिस्थिति में स्माइल है वो समता है। मुझे नहीं होना परेशान ऐसा सोचूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा ऐसा बोलूंगा और सोचूंगा, ये समता नहीं है। वो उस परिणाम को लाने की प्रक्रिया है। समता वो परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। समता,
समझ में आया? और परिणाम क्या है? कोई भी परिस्थिति में आपके साथ बहुत जबरदस्त टाइम चल रहा है एंड स्टिल यू आर स्माइलिंग, दैट इज समता। भगवान के मुख पर क्या है? 24 घंटे। हम भगवान का दर्शन क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दर्शन ऑफ महात्मा और भगवान और एनीबडी वी थिंक दैट दैट पर्सन इज वेरी ग्रेट पर्सन, उसका दर्शन करने का ध्येय क्या है? व्हाट यू वांट टू ग्रेस्प? ऐसे जो महान व्यक्ति हैं उसके मुख पे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सब कुछ चंगा मंगा है। आप अंदर घुसोगे उसके जीवन में पता चलेगा हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम में है वो, लेकिन एक प्रॉब्लम की ताकत नहीं कि उसकी स्माइल को हिला सके। ये है समता। हूं हैरान नहीं था, मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। ये तो मैंने सब सिखाया है ताकि आपको उस लेवल का परिणाम मिले अपने लाइफ में। दैट इज अ मींस, इट इज नॉट द रिजल्ट। समता इज नॉट अ मींस, इट इज अ रिजल्ट। हर क्षण का रिजल्ट, एवरी मोमेंट, एंड दैट प्रोसेस विच मेक्स इट लाइक दिस इज कॉल्ड सम्यक तप। जो आप बोल रहे मुझे नहीं होना परेशान, मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, वो सम्यक तप है, समता नहीं है। वो आप कोशिश कर रहे हैं वो प्राप्त करने का, परिणाम नहीं है। परिणाम क्या है? यस। सो जब तक आपको मालूम नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज माय एंड रिजल्ट, तो आप करते ही रहोगे, करते ही रहोगे। अभी हजारों लोग पालीताना की 99 यात्रा कर रहे हो, कर रहे पीला पीला कर कर रहे, खिसक खिसक के कर रहे हो, किसी ने बोला छठ करी ने 7 यात्रा अने मोटो लाड़ो आपी दी तो मोक्ष। क्या हाल हो रहे हैं उनके? ज्ञान की कोई जागृति नहीं, हाजिरी नहीं है, कुछ नहीं है। जिमनेशियम जिमनास्टिक्स करने सिखा दिया, ऊपर भगवान के पास 7 यात्रा उसके माथे पे चढ़ा हुआ है। भगवान का दर्शन और भगवान का मुख देखना, भगवान के साथ आत्मीयता करना, वो सिखाया नहीं किसने? सो दे डोंट एंजॉय, दे हैव अ बर्डन ऑन देयर हेड। 7 यात्रा अभी कितना हुआ? आते जाते जितने लोग जाए, तुम्हारी केटली थी केटलू बाकी छे? हाँ हाँ हाँ, यही चर्चा होती है। होती है कि नहीं? अरे बोलो। और फिर रास्ते में सब लोग खड़े रहते हो पानी का वो लेकर, टू वाल और ये और बोल फला ढीकना पूछना, क्या लगा रखा है सब? और हम लोग जब गए थे, हाँ, किसी को पता चला ऊपर पहुंच गए, हाँ, और कुछ दुखता था हाथ पैर, कुछ दुखता था, नीचे आकर हम लोग वापस दर्शन करने जाते थे, याद है कि नहीं सब? हाँ, और ये जो करके आते उसकी चंपी मालिश कितनी होती है मालूम है? और कई लोगों तो बेचारे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जमा हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यही प्ले ग्रुप बोलता हूं मैं, ये खिलौना बना दिया है हम लोगों ने। यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर एंड रिजल्ट, व्हाट यू आर सपोज टू अचीव। चित्त प्रसन्नता, कोई भी परिस्थिति में यस यू आर जस्ट एंजॉइंग, और वो जो एंजॉय करते हैं वो वही का वही मोक्ष है भाई, वो ही स्टेट ऑफ मोक्ष है, इधर ही है वो मोक्ष, ऊपर हवा में नहीं लटक रहा है। ये सम्यक तप में जैसे भगवान बता रहे ऐसे आ गए, तो वहां आपका मोक्ष का अनुभव शुरू हो गया। मोक्ष यानी मुक्ति,
आपकी परिस्थितियों से मुक्ति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, कर्म, ये सबसे यू स्टार्ट फीलिंग लिबरेटेड, यू स्टार्ट फीलिंग जॉयफुल, यू आर जस्ट एंजॉइंग विदाउट बाउंड, बाउंडलेस एंजॉयमेंट, ऐसा दिख रहा है क्या? ये अचीवमेंट है सम्यक तप की। नवपद माहे अनुप तपछे जे समाधि प्रसारे। व्हाट इज समाधि? समाधि इज एक्स्टेटिक स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, बाउंडलेस एंजॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड समाधि। हमने क्या बना दिया सामयिक और समता को? हसवानू नहीं, बम फिर रड़वानू पण नहीं, हसवानू पण नहीं, खुश नहीं थवानू, व्यायाम नहीं करवानू, ओम नहीं करवानू। अरे नहीं करवानू, नहीं करवानू शू? काई नहीं करवानू, कई नहीं करीने मस्ती मारे हो, एनु नाम छे मोक्ष, एनु नाम छे समता। दैट इज सम्यक तप। आर यू गेटिंग इट? अब ऐसा करोगे जो कुछ भी करो आप, देखो देर इज नो ऑपोजिशन टू एनी क्रिया और एनी वॉट एवर यू डू, समझ में आया? लेकिन ये दिमाग में इतना तो डाल दो कि उसका एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए। चेक इट आउट, सेल्फी साथ में रखो, जो भी प्रक्रिया करते हो ना सामने देखो, मुख पे स्माइल आ रही है कि अपने आप आ रही है कि करना पड़ता है। समझ में आया? चेक इट आउट वेदर यू आर इन सम्यक तप और नॉट। सम्यक तप मीन्स नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस एंड यू आर इन एंजॉयमेंट स्टेट, दैट इज सम्यक तप। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ओ चार जन लोग सूती हूँ। नहीं नहीं अशोक भाई नहीं, बिचारा अशोक भाई तो शोक वगैरह ना चाहे, आचार्य नहीं चाहे। मैं धन्य धन्य धन्नाणगार तप पद्धति पाम्या शणगार, प्रभु मुखे थी धन्य कहाय, ए मुनिवर ने नमिए पाए, तई तप संयम रक्षा थाय, तप थी संयम रक्षा थाय, सर्व जीव ने अभय पाए। तप थी संयम रक्षा थाय, सर्व जीव ने अभय पाए, अनेक लब्धि आवी मड़े, तप थी सगड़ा दुख टड़े। कहां फोन बदलो, कहां चार्जर बदलो। सी से ई यहां धन्ना अणगार की बात की है। धन्ना अणगार की बात इसीलिए की है कि उनको आठ आठ पत्नी थी, सहनशाह ही था। ऑन ऑफ ऑन लाइट। सो कभी दुख नाम की चीज क्या है, इतनी अनुकूलता में वो जी रहे थे, साथ में माले पे रहते थे, नीचे कभी उतर के देखा नहीं है, इतनी शान और शौकत थी। जो भी काम काज होती थी उनकी आठ आठ पत्नी कर लेती थी, नौकर चाकर कर लेते, उतनी बेशुमार धन संपत्ति थी। गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था उनको, बस ऐसी शान और शौकत में जीते थे। एक दिन और उसकी धर्म पत्नी रोज नहलाती थी आठों आठ साथ में मिलके उनको। एक दिन ऐसा हुआ, एक धर्म पत्नी, एक पत्नी उसके पीछे खड़ी थी और उसे इनसिक्योरिटी फील हुई कि अभी तो ये है, जिंदा है,
तो हमारी इतने सुख साहेबी और आनंद मंगल चंगा मंगा है, लेकिन ये गए खुदा ना खास्ता हमारे पहले ये गए तो हमारे हाल क्या होंगे, ऐसा विचार आया उनको। किसको? एक धर्मपत्नी को। और क्या हुआ फिर? ऐसे विचार आते ही उसके आंख में आंसू आया। आंसू की आंसू हमेशा गर्म होते हैं, मालूम है कि नहीं? हाँ, अभी आज रोना और रो के उसको महसूस करना हाथ लगा, तो वो गर्म आंसू धन्ना जी के कंधे पर पड़ा वो आंसू। बोले, मेरे होते हुए कौन दुखी है, मेरे होते हुए कौन दुखी है, और उसको कैसे दुख हुआ, क्यों दुख हुआ, ऐसे करके पीछे देखते हैं। और उन्होंने उस धर्मपत्नी के आंखों में दुख देखा। बोले, इतनी शानो शौकत में जो रहती है, पानी मांगो तो दूध मिले, दूध मांगो तो घी मिले, ऐसी अवस्था है, कोई कमी नहीं है, इसमें भी अगर इंसान दुखी रह सकता है और दुखी होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर दुखी होता है कोई भी, फिर आगे इससे आगे क्या, इससे आगे कौन सा पुण्य है, ऐसा वो चिंतन में पड़ जाते हैं। फिर उसको खुद को विचार आता है, हाँ इतना सुख है, अगर ये सुख मेरा चले गया तो चिंतन में पड़ गए और उनको भगवान के शब्द याद आए। भगवान के परिसर में एक बार गए थे और उन्होंने सवाल किया था कि जब जीवन में दुखी ना हो तो आप जो इतनी साधना आराधना की बात कर रहे हो, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है,
मेरे जैसा भाग्यशाली पुण्यशाली हो तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, समय आएगा पता चल जाएगा। तब उनको समय आएगा पता चल जाएगा वो याद आया, उस शब्द याद आया। बोले हाँ, भगवान ने बोला था समय आएगा पता चल जाएगा, अब पता चला। इतनी शानो शौकत होने के बावजूद भी जीव दुखी हो सकता है, तो सुख की क्या परिभाषा है? सुख किसे कह सकते हैं? सब कुछ होते हुए भी दुखी आदमी महसूस क्यों कर रहा है? सीधा भगवान के शरणों में, चरण में जाता है, तो हे प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, मेरी जो सुख की परिभाषा थी और सुख से आगे कुछ नहीं है ऐसा जो मेरी सोच थी, आज मुझे प्रतीत हो गया कि मेरा सारा कुछ सुख कम पड़ गया, क्योंकि मेरे घर में इतनी शानो शौकत होते हुए भी किसी को रोना पड़ता है, और मैं आपके शरण में आकर ऐसा सुख पाना चाहता हूं जो हमेशा टिका रहे, बस ऐसी कृपा करो। और फिर तब से भगवान के पास लग जाता है, और जैसे मैंने बोला, क्या बोला था सम्यक ज्ञान के अंदर, आज्ञा का पालन, ईमानदारी, जागृति, और जो बोले सो, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भगवान का एक शब्द पड़े यहां पड़ा क्या, और अमल कटा। इतने लग गए जबरदस्त, कुछ खाना पीना कुछ जरूरत नहीं लगा उनको, सब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, जस्ट एंजॉइंग द स्टेट। और फिर सैनिक राजा ने भरी सभा में पूछा कि सबसे बड़ा तपस्वी कौन है आप, आपकी संपदा के अंदर। तब परमात्मा महावीर ने कहा, ये धन्ना अणगार सबसे महातपस्वी है, नॉट बिकॉज वो भूखा रहता है और ये, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, उसकी मन की जो प्रसन्नता है चरम सीमा छूती है, चित्त की प्रसन्नता है चरम सीमा छू रही है, और वो चरम सीमा है आनंद की, उत्सव की, महोत्सव की, अंतर आनंद, अंतर महोत्सव, वो जो महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो निज के स्वरूप को का आनंद ले रहा है, बस ये है चरम सीमा का तप। और इसीलिए मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, हम सबको इसका अनुशीलन और अनुकरण करना चाहिए। तब से जब भी तप की बात आती है तो हमारी जिन परंपरा में धन्ना अणगार की बात आती है, अनेक लब्धि आवी मड़े, तब थी संयम रक्षा थाय सर्व जीव ने अभय अपाय। अच्छा, जब हम तप में रहते हैं, आनंद उत्सव में रहते हैं, आनंद किल्लोर में रहते हैं, तो क्या होता है? भय रहित रहते हैं, और जो स्वयं भय रहित है वो किसी को भय दिला नहीं सकता। तो यहां क्या लक्षण बताया तप का? सर्व जीव ने अभय अपाय, तब की संयम रक्षा थाय। ऐसी परिस्थिति में वो आ जाते हैं, मन स्थिति में, चित्त स्थिति में, कि उनके आसपास जो भी आए वो बस उसके जैसे बन जाए, उनका मन नाचने लगे। और जब मन आनंदित होता है अपने आप भय रहित होता है। तो सर्व जीव ने अभय अपाय का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ चित्त प्रसन्नता की चरम सीमा, वो अभय है स्टेज, भय रहित वो अभय नहीं है, भय रहित वो तो निर्भय है। लेकिन अभय का मतलब क्या? अभय का मतलब ये
कि आनंद का क्लाइमैक्स चरम सीमा ये है अभय। अनेक लब्धि आवी मड़े तब थी सगड़ा दुख तड़े। अब जब आप इस स्थिति में हुए तो आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी हरकत करोगे वो होके रहेगा। आपने सहज में कुछ बोल दिया और हो गया, तो क्या इसे लब्धि कहते हैं? वचन लब्धि, विचार लब्धि, संकल्प लब्धि, भाव लब्धि, ये लब्धि है, उपधि है। वो जो भी सोचते अपने आप होना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज यू आर इन एक्सटेस एक्सपेक्टेड मोड, जहां कोई कर्म बीच में आकर रोड़ा नहीं कर सकता है। जो भी सोचा, जो भी भाव किया, जो भी विचार किया, संकल्प किया, सटासट परिणाम मिलना शुरू होता है। ये तप का प्रभाव है, ये तप का लक्षण है, सम्यक तप का लक्षण। आत्मभाव मां रमण करे, निज गुणनी नित वृद्धि करे। वो जो तप में होता है वो अपनी मन अंतर की मस्ती में होता है। अंतर तो अनंत आनंद है, हमारे अंदर अनंत आनंद। अनंत आनंद क्या? ये मुक्ति का अनुभव, हमें कोई बांधने वाला है ही नहीं। इसे कहते हैं भाव, आत्मभाव मां रमण करे, निज गुणनी नित वृद्धि करे। ये सबसे बड़ा रहस्य है सम्यक तप का। आत्मभाव मां रमण करें, उसे स्माइल देनी पड़ती नहीं है। वो अंदर का आनंद इतना जबरदस्त होता है कि मुख पे अपने आप हमेशा स्माइल रहती है। धर्म कीर्ति जगमा प्रसरे, तपति समता भाव धरे। बस ये है तप का स्वरूप। ऐसा तप हमारे सबके अंदर प्रकट हो, ऐसे पंच परमेष्ठी और नवपद परमात्मा को हम सब विनती करें, प्रार्थना करें कि ऐसा सम्यक तप हमारे सबके अंदर स्थापित हो और हम सब ऐसे सम्यक तप में आनंद उत्सव महोत्सव करें। नमो जी राम। सिद्ध चक्र महायंत्र के सामने आप सब बैठ जाइए। सेंटर में पूजन करना है। ओम नमो तवस्व। Oh.
का स्वरूप बताया, सतत जागरूकता, ईमानदारी और 5S फॉर्मूला, 5 फाउंडेशन पिलर और 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल को मैं अपने जीवन में साकार करूं, साकार स्वरूप में आनंद में रहूं, मस्त रहूं, हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं हमेशा। इस प्रकार का सम्यक सबका आरोहण मेरे जीवन में सदैव सदैव रहे, क्षण क्षण रहे, रोम रोम रहे, श्वास श्वास में रहे, ऐसी कृपा का कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। नमो यंत्र की आरती और मंगल जी प्रभु ताने के लिए श्री विजय भाई गाला और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी की आरती और मंगल जी प्रभु ताने के लिए श्री धीरेन भाई दरोड़ और उनका परिवार पधारे। गुरुदेव जो तीन यंत्र का पूजन कर रहे हैं उसे अपने घर पधराने का लाभ, पहले यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ डॉक्टर दीपिका बेन मोटा और उनके परिवार ने लिया है। दूसरे यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ जतिन भाई करानी और उनके परिवार ने लिया है। तीसरे यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ संजय भाई नानावटी और उनके परिवार ने लिया है। आप सबसे प्रेरणा है, जो भी महानुभाव को भाव होता है ऐसे अद्भुत मंगलमय यंत्र को यदि आप अपने घर ऑफिस या फैक्ट्री में पधराना चाहते हैं तो त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। ऐसा यंत्र यदि आपके घर ऑफिस या फैक्ट्री में आ गया तो वहां का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। आप सबसे हमारी प्रेरणा है, अवश्य लाभ दीजिएगा। आप भेद स्वरूप भी अपने मित्रगण संगे संबंधी को दे सकते हैं तो छूटेगा मत ऐसे अद्भुत लाभ लेने से। 21 अप्रैल को हम सब दोपहर को 2:30 बजे साइन हॉस्पिटल में मिलेंगे। वहां पर हम पहले गुरुदेव की आज्ञा लेके वहां पर जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें मिलने जाएंगे, एक परिवार के सदस्य के स्वरूप में मिलने जाएंगे। उनके परिवार के सदस्यों के स्वरूप में मिलते हुए उनसे बातचीत करेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे और उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो वेदना है उसे कम करवाने में हम वहां पर मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद नीचे आकर परिसर में वहां के सारे डॉक्टर और जो भी सहकर्मी है उनकी मंगल कामना के लिए हम वहां पर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद शाम को वापस यहां पर आएंगे पूजन के लिए। आप सबसे हमारी प्रेरणा है, यथाशक्ति धन का उपयोग अवश्य कीजिएगा। ऐसे माध्यमों में दिया हुआ आपका धन आपको अनंत होकर वापस आएगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। आप सबको पैम्पलेट दिए गए हैं, ये पैम्पलेट की सामग्री भी लिखी हुई है, यदि आप सामग्री दिलवाने में भी आप हमारी मदद कर सकते हैं या ऐसे कोई डोनर ढूंढ सकते हैं जो हमें वो सामग्री डोनेट कर सकते हैं तो भी आप हमारे सेवकों का संपर्क कीजिएगा। छूटिएगा मत, ये ऐसा अवसर है जहां पर हम अनंत अनंत लोगों की मदद कर रहे हैं और उसका स्वरूप जो है वो हमें आनंद और मंगल का स्वरूप दिखाएगा। तो आप सबसे हमारी प्रेरणा है, यथाशक्ति धन का उपयोग अवश्य कीजिएगा। 21 तारीख को अपने मित्रगण सगे संबंधी को सबको साथ लेते हुए आइएगा, छूटिएगा मत, खासकर अपने बच्चों को अवश्य लेते हुए आइएगा। नमो जिनानाम। अभी आज से आपको बदलना है आपका, कल मैंने बताया था ना, क्या बताया था, हर एक कॉन्टेक्ट कुक से 500 रुपया लेना है, ठीक है? तो यू चेंज योर कॉन्टेक्ट नाउ। सब यहां जितने बैठे हैं आपके कॉन्टेक्ट जितने भी हैं, एक कॉन्टेक्ट से 500 रुपये का डोनेशन लेना है। आप उनसे बात करोगे, उनसे प्रेरणा करोगे, आप अपना जीवन शेयर करोगे, हमारी प्रवृत्ति शेयर करोगे। आपको सबको ऑनलाइन दिया गया है, वीडियोस दिए गए हैं, क्या प्रवृत्ति करते हैं वो दिया गया है, दिया गया है कि नहीं, सबके पास है कि नहीं। स्टार्ट शेयरिंग, आई वॉन्ट दिस रिजल्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। ये है सम्यक तप। चलो नमो रचिदाचारोपाध्याय सर्वसाधुभ्य जय जय आरती आदि जीर्णंगा।
Thank you.
सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। नवरात्रि शक्ति आराधना नव पद ज्ञान साधना की जय। सब साधकों की जय। परमानंद परिवारों की जय। बोलो सुमंदर स्वामी भगवान की जय। सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व मंत्रा